बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा 6 मैथ प्रोग्रेसिव का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है सेट्स पढ़ेंगे। बेटा इसके अबाउट आपने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, उम्मीद है आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार भी किया होगा। आज नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है तो एक्सरसाइज 1.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर है 6, इफ ए इज इक्वल टू, ये सेट दिया हुआ है हमारे पास, बी में भी सेट है एंड सी में सेट, देन आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ये सेट्स हैं हमारे पास, हमें उसने नीचे कोई स्टेटमेंट दी हुई है, हमने बताना है कि इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी हैं और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये पार्ट देखते हैं इसका। तो ये पार्ट में उसने क्या कहा, ए सबसेट है बी का, ए क्या है सबसेट है बी का। तो मैंने बेटा सबसेट के अबाउट आपको बताया था, सबसेट ऐसा सेट होता है कि जिसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों, और जिसके एलिमेंट मौजूद हों जिस सेट के, जो सेट छोटा होता है जिसके एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों तो वो सबसेट होता है। अब देखें, ए इधर बड़ा सेट है और बी क्या है छोटा सेट है, तो ए जो है सबसेट बी का नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या कहता है कि C इज सबसेट ऑफ A। तब ये हमारे पास देखें कि C के जो एलिमेंट हैं 3, 4, 5 सारे के सारे एलिमेंट्स A वाले सेट में मौजूद हैं, ठीक है। तो C क्या है सबसेट ऑफ A, ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। अब इसका C पार्ट है कि 6 बिलोंग्स टू A, तो बेटा देखें कि 6 वाला जो एलिमेंट है, 6 एलिमेंट A वाले सेट में मौजूद है, तो बिल्कुल ठीक है, 6 एलिमेंट जो है A वाले सेट में मौजूद है, ये कौन सी स्टेटमेंट है ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद इसका डी पार्ट है, बी एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट्स। बेटा इक्विवेलेंट सेट के बारे में बताया था, कैसा सेट जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में सेम तो ना हो लेकिन उनकी तादाद जो है आपस में सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो बी और सी वाले सेट की जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद आपस में सेम है, चाहे एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है, ये कौन सी स्टेटमेंट होगी ट्रू स्टेटमेंट होगी। इसके बाद इसका ई पार्ट है कि B इज इक्वल टू C, बेटा ये इक्विवेलेंट का थोड़ा सा हवाला आ गया इसके साथ, क्या है इक्विवेलेंट में क्या था कि इसके एलिमेंट्स की तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन इक्वल सेट में क्या होना चाहिए, उन एलिमेंट्स को आपस में सेम भी होना चाहिए। यानी कि अगर B में जितने भी एलिमेंट 3 हैं, C में भी 3 हैं, तो जो एलिमेंट B में है वही C में होंगे, तो फिर आपस में वो सेट क्या होंगे इक्वल होंगे, चाहे उनका ऑर्डर जो है वो चेंज ही हो। ये कौन सी स्टेटमेंट होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। इसके बाद इसका F वाला पार्ट है, A is infinite set, तो finite और infinite के अबाउट आपने पढ़ा हुआ है। finite ऐसे number set होते हैं जिसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, infinite ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो देखिए उसने कहा कि A is infinite set, तो क्या बेटा हमारे पास A जो है वो infinite है, देखें तो वो तो 10 पे जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। इसका इसको इसके नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद इसका जी पार्ट है कि ए सुपरसेट है सी का, तो बेटा देखें सही बात है, सी के सारे एलिमेंट्स किस में मौजूद हैं, ए वाले में, ए वाला सेट बड़ा आ गया, सी छोटा है, और ए क्या है सुपरसेट है सी का, ये कौन सा स्टेटमेंट है ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू सबसेट सुपरसेट। आगे उसने कुछ सेट दिए हुए हैं, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये उसने सेट दिए हुए हैं, नीचे हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं उनको हमने फिल करना है। तो सबसे पहले ए वाली ब्लैंक्स देखते हैं हमारे पास क्या है, क्या कहता है, ए है और बी है हमारे पास, ठीक है, ए और बी। तो बेटा देखें इसमें हमें ब्लैंक देखना है क्या है, खाली जगह को देखना है कि इसमें क्या सिंबल आएगा हमारे पास, ऊपर हमें 4 सिंबल उसने गिवन किए हैं। तो बेटा देखें ए वाला जो सेट है हमारे पास, इसमें ए बी सी डी ई 4 एलिमेंट्स है, और बी वाले सेट में हमारे पास सी डी 2 एलिमेंट है, ए वाला सेट बड़ा हो गया और बी वाला क्या हो गया छोटा है, ठीक है। तो यानी कि बी वाले के सारे सेट किसमें एलिमेंट्स किसमें मौजूद हैं, ए वाले सेट में मौजूद हैं। तो ये बेटा कौन सा साइन आएगा इसमें, ए सुपर सेट है बी का, ए सुपर सेट है बी का, क्यों, क्योंकि उसके सारे के बी के सारे एलिमेंट किस में मौजूद थे, ए में, ए उसका बड़ा सेट है, ठीक है, तो ये उसका सुपर सेट होगा। इसके बाद इसका बी पार्ट है, सी हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है,
सी वही एलिमेंट है और ए हमारे पास सेट है। तो इसमें उसने बताया, हमने बताना है कि सी जो है वो ए के साथ ए में मौजूद है या नहीं है, सी एलिमेंट जो है ए सेट में मौजूद है या नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या आता है, ये बिलोंग्स, तो देखें सी एलिमेंट जो है हमारे पास ए सेट में मौजूद है, बी में मौजूद है, लेकिन उसने ए में पूछा हुआ है, तो हम इसको बिलोंग टू का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास सी वाला पार्ट है, क्या आता है कि बी है और फिल इन द ब्लैंक्स में है क्या है खाली जगह और ए। अब देखें बी सेट है और ए सेट है, इसमें कौन सा साइन आएगा। अब बेटा देखें बी जो है वो क्या है, छोटा सेट है और ए बड़ा सेट है। ठीक है, तो बी सबसेट किसका है, ए का, तो इसमें सबसेट का साइन आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डी वाला पार्ट है, तो ए बिलोंग्स टू, यानी कि उसने पूछा हुआ कि ए एलिमेंट जो क्या बी वाले सेट में मौजूद है, तो बेटा नहीं, ये डस नॉट बिलोंग टू आएगा। ठीक है, आज की आपकी जो डायरी है वो आपने क्या करनी है, अपने सारे के सारे क्वेश्चंस अपने रजिस्टर पे करने हैं और जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं क्वेश्चंस के, वो आपने अपने होमवर्क में करने हैं।